गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है अपने सिक्स तक जो राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद का पढ़ा था, तो कक्षा टेंथ के लिए हैं और क्षितिज भाग टू। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे सेवंथ नंबर का जो है क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए इसका जो है अनुवाद करना। बिहसी लखुन बोले मृदुवानी, अहो मुनि समा बट मानी, पुनि पुनि मोही देखा कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहारू। उत्तर है इसका प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियां में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अब शब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। अब है इसका भावार्थ जो है दोहे का। भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं, इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देख कर ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता है, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए, मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। आगे हैं, यहाँ कुंभड़तिया कौन नहीं, ते तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब इसका प्रसंग है दोहे का। प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियां लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अब शब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। अब इसका है भावार्थ, यह है कि लक्ष्मण जी अपने वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं, कि हम भी कोई कुंभड़तियां नहीं है जो किसी की तर्जनी देकर मुरझा जाए। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है जो हम किसी से मुड़ जाएं, या तर्जनी अंगुली के समान नहीं है। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसलिए सब आपसे अभिमान सहित कर रहा हूँ। अर्थात हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं है जो जरा से छूने से मात्र मुरझा जाते हैं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास नहीं करें। घ है इसी का, गादी सुन कहु हृदय हसी मुनहि हरिहरे सुज, अपमय खांडन उखमय अजून बुज अबुज। अब इसका जो प्रस्तुत पंक्तियों का तुलसीदास द्वारा रचित मानस से ली गई है, उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। भाव यह है इसका भावार्थ कि विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम जी की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गदी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हराई हरा दिखाई दे रहा है, तभी तो वह दशरथ पुत्रों राम व लक्ष्मण साधारण क्षत्रिय बालों की तरह ही ले रहे हैं। जिन्हें ये घने की खांड समझ रहे हैं, वे लोहे से बनी तलवार खड़ग की भांति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु के रूप व लक्ष्मण को साधारण मानव बालकों की भांति ले रहे हैं। यानी कि परशुराम जी इनको मानव की तरह लग रहे हैं और ये भगवान विष्णु का रूप है। ये वे है नहीं जानते हैं कि जिन्हें घने की खांड की तरह कमजोर समझ रहे हैं, पल भर में वे इनको अपने फरसे से काट डालेंगे। ये नहीं जानते हैं कि ये लोहे से बनी तलवार की भांति है। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारा और हरा हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। आगे है एट क्वेश्चन, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई है, इनकी अवधि भाषा है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालखंड से ली गई है। इसमें अवधि भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसीदास ने इसमें दोहा छंद चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लहबद्धता बनी रही है। तुलसीदास जी ने अलंकारों का सटीक प्रयोग से इसकी भाषा को और भी सुंदर संगीतात्मक बना दिया है। इसकी भाषा में अनुप्रास, अलंकार
रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। आगे है 9th वाला क्वेश्चन, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास द्वारा रामचरित मानस, लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य। उदाहरण के लिए, बहु धनी तोरी लरिकाई कबून असी रिस्काई घोसई। तो यहाँ लक्ष्मण जी जो है धनुष को तोड़ने का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने तो अपने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर क्रोध नहीं किया है। मातु पिताई न जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। तो परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। आगे है, गादी सुनु कह हृदय हसी मुनहि हरी हरे हरी हरे सूज, अपमय खांड न उखमय अजनु न बूझ अबूझ। तो यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य कसते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें तो चारों और हराई समझ रहा है, जो लोहे की तलवार को घने की खांड से तुलना कर रहे हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावण अंधे की भांति हो गई है, इन्हें चारों ओर ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात इनकी समझ में अभी क्रोध व अहंकार वश में है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित पंक्तियों को प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। बालक बोली वधु नहीं तोई, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और ब वर्ण जो है बार बार आ रहा है इसकी आवृत्ति, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हुआ। कोटि कुलिस समूह वचन तुम्हारा, इसके अंदर कौन सा अलंकार है, तो इसके अंदर भी अनुप्रास अलंकार है। क वर्ण की जो है आवृत्ति बार बार हुई है, क बार बार आ रहा है, को को क इस प्रकार, तो ये बार बार आ रहा था अनुप्रास अलंकार। और इसके अंदर उपमा अलंकार भी है, जैसे कोटि कुलिस समूह वचन उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों का वज्र के समान बताया गया है। आगे हैं, तुम तो कालू हाकू जनु लावा बार बार मोई लागी बोलावा। अब इसके अंदर कौन सा अलंकार है, इस लाइन के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो यहाँ जो है शब्द आया है जनु, तो जनु शब्द आते ही समझ लेना कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश में बार बार पुनरुक्ति हुई है, बार बार शब्द पुनरुक्ति में, क्योंकि बार बार शब्द दो बार आवृत्ति हुई है, अर्थ भिन्नता नहीं है। बार बार क्या हो गया, बार बार शब्द दो बार आया है, तो इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। आगे हैं, ग लखन उत्तरी आउती सरस भिंग बरकुरपु कृष्णानु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघु कुल भानु। अब इसके अंदर उपमा अलंकार आया है और उत्तर आवती सरस भिंग बरकोपु कृष्ण में इसके अंदर उपमा अलंकार है, इस लाइन के अंदर। आगे हैं, जल सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं, इसलिए उपमा दी गई है। आगे है, रूपक अलंकार भी है, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है और यह राम की रघुकुल का सूर्य के का गया है और राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई, इसलिए रूपक अलंकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आपने ये पूरे हो गए हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर, और अपनी नोटबुक में इसको फाइंड आउट करें और समझें। थैंक यू, धन्यवाद।